विनम्र निवेदन, एक बार नेत्र बंद करिए, कमर सीधा करिए, सभी गहरी लंबी श्वास भरेंगे, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ब्रह्मनाद कहने पर तीन बार हम ओम ध्वनि करना है। गहरी लंबी श्वास लीजिए, ब्रह्मनाद। दूसरा चक्र पूरा करिए, एक चक्र और। सेवा साधना के 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष में, यानी जिसको रजत जयंती, सिल्वर जयंती कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं, माँ गंगा का किनारा नहीं कहना चाहिए क्योंकि माँ गंगा की गोद में बैठे हम, माँ चंडी देवी, माँ मनसा, माया देवी और माँ काली के त्रिकोण में हैं। जहाँ पर माँ गंगा पहली बार धाराधाम में धरती पर अवतरित होती हैं, ऐसा पवित्र हरिद्वार धाम, पवित्र हनुमान मंदिर, शिव मंदिर की दिव्य आभा और जिस सेवा कुंज परिसर में आप बैठे हैं, यहाँ से सेवा साधना के 25 वर्ष से कई नौजवान अपना घर द्वार छोड़ करके, शिक्षा छोड़ करके इस भूमि पर आए। सेवा साधना के 25 वर्ष के उपलक्ष में इन कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम माँ नर्मदा से ज्योतिर्लिंग के विग्रह लाएंगे, उनको स्थापित करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, स्तवन करेंगे, आराधना करेंगे और विसर्जन करेंगे। ये 125 करोड़ संख्या का संकल्प लिया और हमसे कहा कि तुम एक वर्ष यहीं रहोगे। हमने स्वीकार किया। ऐसे पवित्र अनुष्ठान के समय सोचा समाज का प्रबोधन हो, समाज का संस्कार हो, भारतीय संस्कृति का संरक्षण संवर्धन के लिए देश में लोग खड़े हों, इसलिए एक वर्ष में प्रति 15 दिन में एक विशेष व्याख्यान माला, जिसके उद्घाटन के अवसर पर आध्यात्म जगत के शीर्ष महापुरुष, कहता हूं मैं तो शीर्ष, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जिनकी करुणा कृपा दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रति रहती है। कल ही राजीव जी से मैं कर रहा था बात कि आपके गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्मित्रानंद जी महाराज जी ने जो पहली राशि 1997 को दी, उसी से हमारा बैंक अकाउंट खुला था दिव्य प्रेम सेवा मिशन का। ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति आभार कि उन्होंने हमारे प्रति करुणा कृपा, लगातार विश्वास बनाए रखा है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माननीय संरक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री गंगा जी भी जिनकी सेवा क्षेत्र में हैं, लगभग स्थापना काल से मिशन से जुड़े हैं, इसी पीपल के पेड़ के नीचे कई कई दिन कई कई रात गुजारे हैं, यहाँ पर प्रसन्नता होती है। देश में नाम है, विदेश में नाम है, वक्तृत्व कला के धनी है, संगठन कौशल है। ऐसे व्यक्तित्व मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, अपने परिवार से, बेटी मोहिनी अपने बेटे के साथ, उनका स्वागत। डॉक्टर धन सिंह रावत जी,
चूंकि चाहे डॉक्टर महेंद्र जी हों चाहे हमारे डॉक्टर धन सिंह जी, ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन की संचालन समिति के सदस्य थे और दोनों का प्रमोशन हो गया, मंत्री हो गए, तो हमने भी प्रमोशन कर दिया, संरक्षक बना दिया, बस इतना ही हुआ है। और अभी प्रमोशन होगा तो मार्गदर्शक बना देंगे अब। तो ये उद्गम है, स्रोत है, ऐसे सिद्ध और शुद्ध भूमि में, सेवा की भूमि में आप सभी विराजित हैं। सबका नाम लूंगा, समय जाएगा, विनम्रता से प्रणाम करता हूं आप सबको। आज का जो उद्घाटन सत्र है, यानी उद्घाटन सत्र का बीज, बीज जैसा होता है बीज, उसी अनुसार उसका फल और वृक्ष होता है। तो आज ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आप कह रहे थे कि संकोच नहीं करना, कोई समय की मर्यादा नहीं है, हम स्वामी जी से निवेदन कर लेंगे, बीज मंत्र स्वामी जी देंगे, आप उसको आप बट वृक्ष के रूप में खड़ा करिए आज को। और धन सिंह रावत जी सिंचित करें, चूंकि हमारे लोकल गार्जियन है यहाँ के, इसी रूप में आज का विचार प्रवाह। स्वामी जी, जब मैं पिछले 2013 के कुंभ के समय आपको प्रणाम करने गया था, तो बाहर जो वेटिंग में आपके यहाँ पर जो है बीबीसी संवाददाता मॉकटिली बैठे थे, तो कुछ उससे बातचीत होने लगी, दूर से देखा तो चेहरा मोरा पहचाना लगा, तो कुछ बातचीत हुई, संवाद हुई, चले आए। उसके 2-3 दिन बाद अमर उजाला में एक उन्होंने लेख लिखा है स्वामी जी, लेख में लिखा है कि अंग्रेजी दृष्टि से सोचने वाले, अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी दृष्टि से सोचने वाले, अंग्रेजी दृष्टि से देखने वाले, अंग्रेजी दृष्टि से समझने वाले, अंग्रेजी चाल चलन में ढलने वाले लोग भारत के कुंभ की सांस्कृतिक विरासत को समझ ही नहीं सकते। ऐसे तो आपकी व्यक्तित्व का प्रभाव रहा होगा, माकुली बाहर बैठ के बोल रहे थे और 2 दिन बाद बाकायदे बड़ा लेख छपा है। वो लगता है कि जो मार्क ट्विन ने भी इसी बात को कहा है कि भारत की भूमि पर भगवान द्वारा और इंसान द्वारा जो भी हो सकता था, जो भी हो सकता था, सब हो चुका है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हो चुका है उसी को जानने, समझने, अध्ययन, अनुभूति, अनुभव करने की जरूरत है। वास्तव में यही भारतीय संस्कृति है, जो मार्क ट्विन ने कहा है, कहीं मार्क ट्विन ने कहा है। अंग्रेजी लेखक ड्यूक कहते हैं कि भारत की आश्रम व्यवस्था, आश्रम परंपरा, हमको विशेष नहीं लगती क्योंकि हम लोग उसमें जीते हैं, आश्रम व्यवस्था इस विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ देन है, श्रेष्ठतम देन है। और दूसरी ओर मार्क्स और माने एंगल्स कहते हैं कि ये तो अफीम की गोली कहते हैं, लगता है कि उन्होंने भारत का दर्शन नहीं पढ़ा था, वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़ा था, गीता नहीं पढ़ी थी, महाभारत नहीं देखा था, हमारे ऋषि परंपरा को नहीं देखा था, ना जाना था, ना समझा था, इसलिए ऐसा लिखे। उन्होंने क्या पढ़ा था मैं नहीं बोलना चाहता, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द आता है, इसीलिए अफीम की गोली कहा गया, क्योंकि सत्ता पर अधिकार किसका होता था मैं नहीं बोलूंगा यहां पर। जब दुनिया का विकास होता और हम लोग दूसरी दृष्टि से देखना शुरू करते अपनी संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को, अपनी विरासत को, अब जैसे पतंजलि का, जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, अष्टांग यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मुझे लगता है यम और नियम इस विश्व के सबसे खूबसूरत शब्द हैं, शब्द थे, चिंतन है। लेकिन जब से बीच में फ्रायड घुस जाता है
उस खूबसूरती को बदसूरत कर देता है, दमन शब्द प्रयोग करता है रूपांतरण की जगह है। हम जब आवश्यकता और इच्छा की बात करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती, आवश्यकताओं की पूर्ति परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने, जिस लायक हम हैं, जिस योग हम हैं, उससे बहुत ज्यादा हमको दिया है। और आज सुबह के सत्र में बोल रहा था मैं आप लोगों के बीच में कि एक व्यक्ति को था कि मेरे पैर में जूते नहीं हैं, सुंदर जूते नहीं हैं, और जब सड़क पर निकलता है तो दो पैर नहीं हैं, ऐसा व्यक्ति देखता है जब, तो फिर उसको अपनी गलती का आभास होता है कि अरे परमपिता परमेश्वर मुझे सब कुछ दिया, इसको दो पैर नहीं हैं। इसी करुणा के नाते, इसी संवेदना के नाते तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का शुभारंभ होता है चंडी घाट में देख करके। तो हम कहीं रॉबिन्सन में घुस जाते हैं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को अंतर छोड़ करके लूटने लग जाते हैं, तो भोगोन्मादी अर्थशास्त्र पैदा हो जाता है कहीं। ऐसे हम जो विदेशी चिंतकों, विदेशी लेखकों, विदेशी हम राइटर से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कहीं भारत के वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, षड् दर्शन, ऋषि परंपरा, अवतार परंपरा, संत परंपरा, और कम शब्दों में कहें तो एक भी जीवन उठा लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी का उठा लीजिए, किसी ऋषि का, किसी संत का, किसी को उठा लीजिए, किसी अवतार का, उस अवतार का जीवन यानी भारतीय संस्कृति के विकास की कहानी है अवतार की, और कुछ नहीं है। वो भारतीय संस्कृत को समझने के लिए दूसरी ओर क्यों जाते हैं? जैसा मार्क टुले ने कहा, उसी प्रकार पॉल ब्रंटन ने भी कहा कि संसार के लोग, दुनिया के लोग यही देखने, जोकर मदारी और तांत्रिक और इस प्रकार के कुछ जादूगरों का देश है। हम भी इसी दृष्टि से आए थे भारत में, लेकिन मैंने कहीं किसी से सुना था, जाना था कि अगर यहाँ के गहरे गुफाओं में, झोपड़ी में, समुद्र किनारे, हिमालय में, गंगा किनारे, गुफा में रहने वाले ऋषि, ज्ञानी, विज्ञानी आज भी रहते हैं। और जब मैं उस दृष्टि से भारत में घूमा, गहराई पर, लंबाई पर, तब मुझे एहसास हुआ कि इनके पास जो विज्ञान है, ज्ञान है, पद्धति है, उसको जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, उसको जीवन में अभ्यास करने के बाद, मनुष्य में अनंत शक्तियों का अवतरण हो सकता है। आज शिव अवतरण का भी कार्यक्रम अपना है, जो ये भारतीय संस्कृति के संरक्षण का है, भारतीय संस्कृति के योग्य प्रबोधन का है, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास जगाने का है, भारतीय संस्कृति के प्रति भावपूर्ण समर्पण जागृत करने का है, समय देने का है। इस प्रकार का प्रबोधन का कार्यक्रम स्वामी जी आज से प्रारंभ हो रहा है आपके आशीर्वाद से। 3-4 तारीख को पूजनीय सरसंग चालक जी यहाँ रहेंगे, उनके साथ देश के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, सब उनके बैठेंगे, और कैसे देश में इस विचार को हम लोग ले जाएं, यहाँ पर भाव भूमिका, जैसे महर्षि अरविंद ने कहा है कि भगवत सत्ता के अवतरण की भाव भूमि तैयार करना, तो स्वामी जी आपकी कृपा से हरिद्वार में ये शिव अवतरण की भाव भूमिका तैयार करने का केंद्र बन रहा है सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन। देश के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, भारतीय संस्कृति के जो पूजक होंगे, उपासक होंगे, भगवान शिव के प्रति समर्पित होंगे, संकल्प लेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग का यहाँ अभिषेक करेंगे,
पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके ठीक सामने विसर्जन रुद्राक्ष पर करेंगे, संदेश लेके संकल्प लेके गांव गांव गली गली जाएंगे, शिव अवतरण शिव अवतरण शिव अवतरण का संदेश लेकर के। शिव अवतरण का संदेश ही वास्तव में आज के दिन में आज के समय में भारतीय संस्कृति की भूमिका है। हम भूमिका में सक्रिय भूमिका आग्रही भूमिका दिव्य प्रेम सेवा मिशन अपनी भूमिका रखना चाहता है। केवल फेसबुक वाला नहीं, ट्विटर वाला नहीं, केवल इंस्टाग्राम वाला नहीं, तो सक्रिय गांव गांव माने गली गली जा करके इस देश में भारत की भूमि में नवसृजन करके शिव अवतरण की भूमिका। शिव कहाँ अवतरित होते हैं? जहाँ शुभता होगी, शुचिता होगी, सेवा होगी, समता होगी, जहाँ पर सहिष्णुता होगी, जहाँ पर राष्ट्रभक्ति होगी, जहाँ पर गंगा की माने गंगा की सेवा होगी, गौ की सेवा होगी, गायत्री की सेवा होगी, गांव गरीब की सेवा होगी, समत्व भाव से होगी, उस जगह पर शिव का अवतरण होगा। इसी आवाहन के साथ एक साल चलने वाले महायज्ञ प्रथम जो अपना व्याख्यान है, इस व्याख्यान के माने उद्घाटन के अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ, सम्मान व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।